हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज मैं आप लोगों को बलबन का राजत्व सिद्धांत, इस पर हम चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1286 में दिल्ली के तख्त पर बैठा, और तख्त पर बैठने के पश्चात उसने ये महसूस किया कि उससे पूर्व जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा था, उसके शासनकाल में सुल्तान पद की गरिमा प्रतिष्ठा पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी थी। इस खोई हुई प्रतिष्ठा सम्मान को उन्हें स्थापित करने के उद्देश्य से उसने अपने राजत्व सिद्धांत का यहां प्रतिपादन किया। सवाल यह खड़ा होता है कि उसने राजत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, उसके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्य किए या ऐसी कौन कौन सी प्रथाओं को उसने इंट्रोड्यूस किया, जिससे वो खोई हुई सुल्तान पद की गरिमा व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफल हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर एक, राज्य के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन। राज्य के देवी सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत जैसा कि तत्कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी अपनी तारीख फिरोजशाही में भी इसका उल्लेख करता है कि बलबन अपने पुत्र बुगरुक खां से वार्तालाप करता है, और वार्तालाप के दौरान वो समझाता है कि सुल्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो धरती पर अल्लाह का प्रतिबिंब है, एक तरीके से अल्लाह का प्रतिनिधि है, उसके अंदर अल्लाह की ज्योति निहित होती है। इसलिए हमें जिस प्रकार से हम अल्लाह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से हमें सुल्तान के प्रति भी सम्मान व्यक्त करना चाहिए। राज का इस जो देवी सिद्धांत उसने प्रतिपादन किया, उसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया कि सुल्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्थात जिस तरीके से अल्लाह के प्रति हम नतमस्तक होकर के नहीं उसका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से सुल्तान के प्रति भी लोगों को नतमस्तक होकर के नहीं उसका सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने अपने दरबार के अंदर कुछ ऐसी ईरानी प्रथाओं को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत उसने सिजदा पाबोस नोरोज का त्योहार, इन प्रथाओं को लागू करने के पीछे बलबन के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। एक उद्देश्य, वो अपने दरबार में शिष्टाचार के उन नियमों को लागू करना चाहता था जो नियम अब से पहले एक तरीके से लागू ही नहीं थे, या लागू थे भी तो दरबारी उनको पूरी तरीके से मान नहीं रहे थे। सबसे पहले उसने सिजदा, जिसके बारे में कहते हैं कि सिजदा अपने आप को दंडवत प्रणाम करना, दूसरा पाबोस सुल्तान के समक्ष घुटनों के बल बैठकर के नहीं उसके चरणों को चूमना। उसने अपने दरबार में यह अधिनियम स्थापित कर दिया, यह फरमान जारी कर दिया कि प्रत्येक दरबारी को दरबार में आने पर सुल्तान के समक्ष उसे सिजदा करना होगा और उसे पाबोस करना होगा। ये दोनों प्रथाएं सबसे महत्वपूर्ण थी। इससे बलबन एक तरीके से अपने विरोधियों को झुकाने में सक्षम हो सका। जो विरोधी उसे सुल्तान नहीं मान रहे थे, उनको मनवाने में वो पूरी तरीके से यहां सफल हुआ। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को गुलाम पद की हैसियत से ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अपने वंश की वंशावली को उसने शाहनामा के हीरो वीर योद्धा हैं, उनसे अपनी वंशावली को जोड़ा, और उसने ये स्पष्ट किया जनता के समक्ष और अपने दरबारियों के समक्ष अपने आप को गुलाम के पद से ऊपर उठाने के उद्देश्य से, यद्यपि मेरा जन्म एक उच्च कुलीन परिवार में हुआ है, लेकिन मैं परिस्थितियों के वश में गुलाम बन गया, इसलिए मैं कोई साधारण कुल में जन्मा नहीं हूं। इस बात को उसने अपने दरबारियों के बीच में, अपने साथियों के बीच में यह बताने का प्रयास किया। तो एक तरीके से बलबन अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहां एक तरफ ईरानी प्रथाओं को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा कि उसने, तो दूसरी तरफ उसने अपनी वंशावली को शाहनामा के हीरो के साथ में जोड़ने का प्रयास किया।
राज्य के देवी सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण कार्य उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाया। बलवन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर वो पहल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा सुल्तान था जिसने गुप्तचर व्यवस्था पर बहुत ज्यादा बल दिया। उसने अपने गुप्तचरों के भी पीछे गुप्तचर लगा दिए और कहा जाता है कि उसके दरबारियों के द्वारा अगर जरा सी भी लापरवाही या जरा सी भी गलती की जाती और उसकी सूचना यदि गुप्तचरों को के द्वारा उसको दी जाती तो न्याय की आड़ में उन्हें दंडित करने का प्रयास करता। इसलिए बलबन ने अपने राजोत्त सिद्धांत के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण कार्य किया। अभी हम इतना ही बात करेंगे, आगे थोड़ी देर बाद में करते हैं।